आप देख रहे हैं आदर्श ग्राम, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन वाकई का ये गांव आदर्श दिखता है आपको? बात केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना की करते हैं तो पड़ताल भी सरकार के नुमाइंदों के गांव से ही होनी चाहिए। लिहाजा हमने उन दो गांव को चुना है जिन्हें ग्राम बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसदों ने गोद लिया था। बात गौतम बुद्ध नगर के निमका गांव की। इस गांव को स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने गोद लिया था, लिहाजा लोगों में विकास की एक आस जगी थी, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उनके इन सपनों को हकीकत से रूबरू करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद जोर शोर से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी और शुरुआती दो साल में पहले गोद लिए हुए गांव को विकसित करने का टारगेट रखा था। अब चूंकि मोदी सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में कितना विकास हुआ है, खास तौर पर उन गांवों में जो सांसदों ने गोद लिए थे। आज हम पहुंचे हैं जमीनी हकीकत जानने नीमका में। नीमका वो गांव है जिसे गौतम बुद्ध नगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सांसद बनने के बाद गोद लिया था। आपको अब तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे और लोगों की जुबानी भी सुनाएंगे कि आखिर दो साल के बाद कितना विकास हुआ है और गाँव के लोग कितना उस विकास से संतुष्ट है। जो उम्मीद उनके अंदर आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद जगी थी वो पूरी हुई है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत सभी सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक एक गांव को गोद लेने का प्रावधान है। केंद्र सरकार की इस योजना का प्रचार प्रसार भी खूब किया गया, साथ ही दावे भी बड़े बड़े किए गए। कहा गया कि अगले दो साल में इन गांवों की तस्वीर बदल दी जाएगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाए, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाए, देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा। अब जबकि केंद्र सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में सरकार के दावों और वादों की पड़ताल करने के साथ साथ जमीनी हकीकत जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम ने सबसे पहले रुख किया केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के गोद लिए गांव निमका का। जेवर ब्लॉक का ये गांव स्थानीय सांसद महेश शर्मा के संसदीय क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले के पिछड़े इलाके में शुमार किया जाता है। आज से दो साल पहले महेश शर्मा ने जब इस गांव को गोद लिया तो गांव के लोगों को भी एक उम्मीद जगी और वो उम्मीद थी अच्छे दिनों की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ग्रामीणों की उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। आदर्श गांव के दावे अब इन लोगों की बेईमानी नजर आने लगी है। दावे तो किए गए थे इस गांव को मॉडर्न बनाने के, लेकिन आज आलम यह है कि निमका के लोगों को तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। महेश शर्मा जी ने गांव गोद लिया था लेकिन इसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। पहली बात तो ये पानी का कोई साधन नहीं है, दूसरी बात लैट्रिन की सुविधा दी थी उनने, कुछ अधूरी पड़ी है, कुछ पेमेंट ही नहीं मिला अब तक भी। पब्लिक ने ब्याज पे पैसा लेके उसको पूरा करवा दिया क्योंकि गंदा कोई देख नहीं सकता, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं है। कोई सुविधा नहीं है गांव में, लड़कियों की कोई नहीं, कोई पढ़ाई की नहीं, पानी नहीं, कोई इलाज की सुविधा ना, कोई न्योना के हम इलाज चल रहा है गांव में। सांसद साहब जिन्होंने गोद लिया ये गांव,
वो कभी कभी आते हैं और घूम घाम के चले जाओ। निमका गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी बुरा हाल है। कहने को तो इस गांव में 8वीं कक्षा तक प्राथमिक स्कूल है, लेकिन जब इंडिया बॉयज की टीम विद्यालय का जायजा लेने पहुंची तो सारी हकीकत सामने आ गई। स्कूल के आसपास कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, क्लासरूम में भी जहां तहां गंदगी बिखरी पड़ी है। स्कूल को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यहां बच्चे पढ़ते भी हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के परिसर में पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप न जाने कब से खराब पड़ा है। निमका गांव में सरकारी सुविधाओं के नाम पर एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है, और जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया यहां पर एक सरकारी अस्पताल भी है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे स्कूल की, और यहां पर कुछ ग्रामीण और कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बाद में कि क्या स्थिति है और जमीनी हकीकत क्या है। कहने को तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ इस स्कूल का एक क्लासरूम। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो अराजक तत्व है वो कभी कभी यहाँ पर चोरी करते हैं यहाँ के सामानों की, लेकिन आप तस्वीरें जो शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां करती हैं, और तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि यहाँ के स्कूल की जो हालत है वो कितनी जर्जर है, हम कह सकते हैं। एक और नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्लासरूम का नज़ारा है, और क्लासरूम में किस कदर गंदगी है। फर्नीचर के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, और बच्चे यहाँ पर ज़मीन में बैठकर पढ़ते हैं। और इस तरह आपने देखा था कि किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। पाइप जो है वो लगाए तो कभी गए थे ऐसा लगता है, लेकिन अभी फिलहाल टूटे हुए हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है, और 47 के टेम्परेचर में यहाँ किस तरह बच्चे पढ़ाई करते होंगे। और जो मासूम है, चूँकि ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर कितनी परेशानी होती होगी। बोर्ड का नज़ारा आप देख सकते हैं, इसका क्वालिटी का आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर किस जो लोअर क्वालिटी है, या फिर हम कह सकते हैं इस पर कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, इसकी जो जो प्रोडक्ट यूज किया है वो साफ तौर पर हट रहा है। तो वहीं जब इंडिया बॉयज की टीम निमका गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंची तो मौके पर ना तो कोई डॉक्टर मिला और ना ही कोई नर्स। स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि कभी कभी यहां डॉक्टर आते हैं, और जब उनका मन होता है तो स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, वरना इसी तरह यहां ताला लटका रहता है और मजबूरी में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। गांव के लोगों को कुछ जो बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है उसमें सरकारी स्वास्थ्य सेवा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में आसपास अगर कोई इमरजेंसी आती है तो बहुत ज्यादा अच्छे साधन नहीं होते हैं। लोग केवल सरकारी अस्पताल पर ही ज्यादा हद तक निर्भर होते हैं, लेकिन हम आपको निमका के जो सरकारी अस्पताल है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको पूरी बिल्डिंग में कहीं भी बोर्ड नजर नहीं आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी बंद है सरकारी अस्पताल, और यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। मैं आपको इस बात का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि गांव में सरकारी सुविधाओं के नाम पर केवल दो सुविधाएं हैं। एक स्कूल है जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक है, और एक ये सरकारी अस्पताल है जिसका तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो हालत है वो कितनी जर्जर है, और यहाँ के लोगों को जिसे सरकारी सुविधाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद है उन्हें कितनी ज़्यादा इस सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से राहत मिलती होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ यहीं पर अस्पताल के बगल में रहने वाले ग्रामीण हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सरकारी अस्पताल से गाँव के लोगों को क्या वाकई में वो मदद मिलती है जिसकी वजह से ये खोला गया था? ना कुछ ना मिला जी, ऐसी मदद है हमें, एक नर्स आवे खाली जब टीके वीके लगे, जब एक दो दिन आ जाए छुट्टी पर उसके बाद। क्या कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ पर आता है? ना एक भी ना आवे जी। तो अगर आपके आपके यहाँ या आपके आसपास पास पड़ोस में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ पर जाते हैं? इससे तो कोई सहारा है नहीं। कोई सहारा नहीं, हम जेवर जाते या फिर नोटा जाते।
बिल्कुल, तो आपने ग्रामीण को भी सुना, तस्वीरें भी देखी और उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिस पर करीब गांव की 3,500 आबादी की उम्मीदें टिकी हुई हैं उसकी क्या हालत है, और या इसकी सरकार की तरफ से जो उदासीनता बरती जा रही है वो उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इतने ज्यादा ग्रामीण सफर कर रहे हैं। टूटी गलियां, खराब पड़े हैंडपंप, चारों तरफ बिखरी गंदगी और जर्जर हो चुकी सरकारी इमारतें, ऐसी ही कुछ तस्वीर निमका गांव की आज से 2 साल पहले भी थी, जब महेश शर्मा ने इस गांव को गोद लिया था, और आज भी सब कुछ वैसा ही है। ना तो इस गांव की तस्वीर बदली और ना ही यहां के लोगों का जीवन स्तर। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को जब उनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री ही पलीता लगा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों के सांसदों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आदर्श ग्राम योजना का यह हाल देखकर सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि जब केंद्रीय मंत्री के गोद लिए हुए गांव में जरूरी सुविधाओं का बुरा हाल है तो दूसरे गांवों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ग्राम उदय से भारत उदय की बात कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए हुए गांव की विकास की जमीनी हकीकत जब ये है तो बाकी गांव में कितना विकास हुआ होगा इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, नीमका।